किसी की नजर का जो बिस्मिल नहीं है, किसी की नजर का जो बिस्मिल नहीं है, किसी की नजर का जो बिस्मिल नहीं है वो कहने को दिल है मगर दिल नहीं है। वाह, चलो मुबारक हो। हाथ क्यों हटा लिया? मैं पूछ सकता हूँ कि कवि महाराज हमारा मैच देखने क्यों नहीं आए? बस इसी बात पे सरकार बिगड़ बैठे हैं भाई। बात यह है कि प्रदीप के साथ काफिया जोड़ते रहे और शायरी की टांग तोड़ते रहे। क्यों? अरे भाई, जिस मैच का नतीजा पहले ही मालूम हो उसे देखने में वक्त क्यों जाया करना? मुझे मालूम था तुम जीतोगे, मुबारकबाद देने यहाँ चला आया। खूब, बस तुम एक नंबर के अक्लमंद हो यार। अरे कहाँ चले, आखिर लड़कियों से मैच खेलकर आए हो। इश्क और हुस्न का रंगीन फसाना तो कहो। हाथ मुंह धोके जरा होश में आ लूं तो कहूं। जी बाबू, अमर कुमार आप ही का नाम है? बाबू नहीं, ओनली अमर कुमार। तो ओनली अमर कुमार जी, आपका खत। अमर भैया कहो, कैसा रहा मैच, जीते या हारे? इस श्री अमर कुमार भैया के लिए या उस श्री अमर कुमार भैया के लिए जो बाहर तस्वीर रखे हैं? और दोनों के लिए। ये बात है तो दोनों के लिए जल्दी गरम बताओ। यार क्या सुनाऊं, सैकड़ों मैच खेले मगर जो मजा इस मैच में आया तुम्हारी कसम आज तक कभी नहीं आया। मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा। गाजर के हलवे से भी ज्यादा? भैया मेरा तो ख्याल था कि गाजर के हलवे से ज्यादा मजा आपको किसी चीज में नहीं आता। रागनी, बात जलवे हलवे से कहीं ज्यादा मजेदार होते हैं। व्हाट डू यू मीन? बताता हूँ, जरा तुम्हारी कर्म कुंडली देख लूं। कर्म कुंडली? जन्म कुंडली तो सुना था, ये कर्म कुंडली क्या चीज है? जिसमें मनुष्य के कारनामों का वर्णन होता है। पहले ये तो कहिए महाराज, अब ज्योतिषी कब से बन गए? अरे कवि आधा ज्योतिषी तो पहले ही होता है। सुना नहीं, जहां ना जाए रवि वहां पहुंचे कवि। हाँ, तो तुम्हारे भैया की कर्म कुंडली पुकार पुकार के कह रही है कि आज इन्होंने मैच हार के एक सुंदरी का मन जीतने की चेष्टा की है जिसका नाम एल से आरंभ होता है, जैसे कि लता। लता क्या किस्सा है? किस्सा ये कि आ हजरत आज जानबूझकर मैच हार के आए हैं। अच्छा तो ये बात है, तो इस वक्त लता के ध्यान में खोए हुए थे। मैं भी तो देखूं। आखिर टक्कर क्या है? लता ने जानबूझकर मैच हारने की वजह जानने के लिए हुजूर को बुलाया है। झूठ, उसने अपनी टीम की तरफ से हमारी सारी टीम को पिकनिक की दावत दी। अरे भाई कुछ तो बहाना बहरे मुलाकात चाहिए। मैं पूछता हूँ कि तुमने एक शरीफ आदमी का खत क्यों पढ़ा? इसलिए कि इस शरीफ आदमी का नाम भी अमर कुमार है। मगर ये तो सोचा होता कि इस घर में सिर्फ घर वाले का ही खत आ सकता है। वाह, तो
तुम खुद ही तो कहते हो उस घर को अपना घर समझो। देखो कवि महाराज, मैं अपने डाक पर डाका नहीं पढ़ने दूंगा, हम दोनों में स्त्री को अपना नाम बदलना। लता जी से क्यों नहीं कह देते कि आगे के लिए वो तुम्हें कैप्टन अमर कुमार लिखा करे? वेरी गुड। कल तुम उसके हुकुम से पिकनिक पे जा तो रही हो। वो कौन होती मुझ पर हुकुम चलाने वाली? मैं उसका गुलाम तो नहीं। गुलाम कैसे ना हाजिर होगा, आपका हुकुम जो था। मैं गुलाम से जान सकती हूँ कि मैं किस रियासत की मलका हूँ? वो बाज हस्तियाँ दिलों की रियासत पर राज करती हैं। मैं तो आपको सिर्फ हॉकी का ही चैंपियन समझती थी, आप तो टॉकी के भी चैंपियन निकले। आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। शर्मिंदा तो दरअसल आपने हमें किया है। मैं पूछ सकती हूँ कि जानबूझकर आपने मैच क्यों हारा, जबकि हमारी जैसी दो टीमें भी मिलकर आपको नहीं हरा सकती। सच पूछिए तो लड़कियों का यही कॉम्प्लेक्स दूर करने के लिए मैंने अपनी हार गवारा की थी। जी जी हाँ, मैं जिंदगी के हर मैदान में स्त्रियों और पुरुषों को शाना बशाना देखना चाहता हूँ, इसीलिए आपकी हौसला अफजाई को अपना फर्ज समझा। आपके विचार जान के बहुत खुशी हुई। यकीन मानिए, मैच हार कर आपने मेरी टीम का दिल जीत लिया। सिर्फ टीम का? जी नहीं, सिर्फ टीम का। दामन बचा के न जा।
संडे को प्यार हुआ जाती है तो वहां से चिट्ठी में ऐसी ऐसी बातें लिखती है और जब मैं किसी से पढ़वाता हूँ तो मुझे शर्म आती है। अच्छा अच्छा तो ये बात है जी। हाँ बंसी तुम्हारे साहब किधर है? मेरे साहब बाहर गए हैं। सुबह सुबह कहाँ चले गए? अमर बाबू आदमी के पाँव में अगर कोई जंजीर ना हो तो उसके लिए घर और बाहर दोनों एक से है। बहुत बंसी तुम्हारा साहब तो मन का मौजी पर मैंने तो फैसला कर लिया। क्या फैसला कर लिया है? जंजीर पहनने का। अरे बहुत अच्छा किया है, इस उम्र में ज्यादा देर खुले रहना भी अच्छा नहीं। मगर अमर बाबू को अच्छी सी लड़की देखकर शादी करना ये मेरी रामकली जैसी लड़ाकी से नहीं है। मैं लड़ाकी हूँ? तेरे झूठ बोला तो तेरी जुबान काट के हाथ पर रख दूंगी। क्या बात है बंसी, क्या रख देगी रामकली तुम्हारे हाथ पर? पूजा की थाली वाले के आज रामकली का मौन व्रत है ना, इसलिए मेरी आरती उतार ले आई है। अच्छा चलो अंदर जाकर उतरवा आरती। हेलो कैप्टन, आज मैं कैसे याद आ गया? यार तुम भूलते ही कब हो? इस भरी दुनिया में दूरी तो है मेरे दुख सुख के साथी, एक रागिनी तुम और लता का नाम भूल गए जो आजकल हर रिश्ते पर भारी है। कहो प्यारे गेम कैसे चल रही है? बहुत फर्स्ट क्लास कुमार, तुम जरा हाथ बटा दो तो गोल हुआ समझो। भला मैं क्या कर सकता हूँ जो मैं नहीं कर सकता? लता के पिताजी से मिलकर ये मामला तुम ही जमा सकते हो। मेरी तारीफों की ऐसे पुल बांधो, ऐसे पुल बांधो। मैं मजबूर हूँ कुमार। किस बात के लिए तारीफ के पुल बांधूं? आखिर तुम ऐसी कौन सी खूबी है? आखिर वो कौन सी खूबी है जो अमर में नहीं है? मैं किस किस की तारीफ करूं? जिस फर्म में क्लर्क था आज उसी का मैनेजर है, हजारों पे तनख्वाह पाता और फिर खूबसूरत है, नौजवान है। ये सब ठीक है लेकिन मैं अपनी लता बिटिया को किसी भरे पूरे घर में देना चाहता हूँ जहाँ उसके सर पर सास ससुर का साया हो, जेठ हो, जेठानी हो। कच्ची उम्र में पति पत्नी में सौ बार झगड़ा हो ही जाता है, घर में से आना हो तो बात बढ़ने नहीं देता, वरना एक छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते एक दिन लड़की को मैं के ला बिठाती। जहां तक अमर का सवाल है मैं हर जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। एक सच्चे दोस्त के रिश्ते में माँ बाप और भाई बहन का प्यार भी शामिल होता है। यकीन कीजिए अमर और लता की खुशी मेरी खुशी होगी, उनका दुख मेरा दुख होगा। तुम्हारी बेगरज दोस्ती में मुझे कोई शक नहीं बेटा। तो बस फिर हाँ कर दीजिए, लता बहन है मेरी, उसके सुख की चिंता बाप को है तो भाई को भी कम नहीं होगी। कुमार आज तो मैं आपसे हाँ कहलवा कर ही जाऊंगा। ठीक है बेटा ठीक है, मुझे तुम्हारे होते हुए कोई एतराज नहीं। मालिक दोस्त का घर तो बसा दिया, अब आप भी अग्नि के गिर चार फेरे ले ही डालिए। आपकी कसम मालिक
अब इस घर में शहनाई सुनने को कान तरस रहे। तुम्हें शहनाई सुनने का इतना ही शौक है तो हम तुम्हें बगैर शादी के सुना देते हैं। भाई वाह, बिना दिवाली के दीपमाला कैसे मालिक। बंसी, हर काम का एक वक्त होता है। अमर को उसके पसंद की लड़की मिल गई, उसने शादी कर ली। जब मुझे अपने पसंद की लड़की मिल जाएगी मैं भी शादी कर लूंगा। मालिक, मेवा मौसम का ही अच्छा होता है, कहीं ऐसा ना हो लड़की पसंद करते करते शादी की उम्र ही गुजर जाए। तो क्या हुआ अगर मैंने शादी नहीं की तो दुनिया का कौन सा काम रुक जाएगा। दुनिया का ना सही सरकार, मगर पुरखों की रीत तो रुक सकती है। अपना नहीं तो कम से कम स्वर्गवासी ठाकुर और ठाकुरानी का तो ख्याल कीजिए, जिन्होंने आपको गोद लेकर अपना सब कुछ आपको सौंप दिया। पुरखों को पानी देने और उनकी सदगति के लिए कुल प्रणाली तो चलनी चाहिए, इसलिए आपके यहाँ बेटे का होना बहुत जरूरी है। लेकिन बेटे के लिए शादी करना तो जरूरी नहीं, जिस तरह उन्होंने मुझे गोद लिया उसी तरह मैं भी तो किसी को गोद ले सकता हूँ। ये आप क्या कहने वाले, इसमें बुराई की बात क्या है? अगर तुम्हारे यहाँ लड़का हुआ तो मैं उसी को अपना लूंगा। तो मालिक, आपने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? सच्चा था मालिक, आपके कद की तरह आपके विचार भी बहुत ऊंचे हैं। ओ रामकली, रामकली, अरे ओ रामकली, बधाई हो रामकली, बधाई हो। बधाई? कैसे बधाई? मालिक ने शादी ना करने का फैसला कर लिया है। सुबह सुबह के भंग का लोटा तो नहीं चढ़ा गए? आज तो भंग के लोटे के बगैर ही नशा हो रहा है रामकली। मालिक ने वचन दिया है कि बंसी तेरे हाथ जो लड़का होगा मैं उसे गोद लेने को तैयार हूँ। अरे माथा को पीट रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हमारा बेटा जिसका कि मैंने मुरारी नाम सोचा है इतनी बड़ी जायदाद का मालिक बनेगा। मगर हमारा लड़का है कहाँ? हो तो सकता है। कैसे हो सकता है? अरे कैसे नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं भी माँ नहीं बनना चाहती। अरे क्यों नहीं बनना चाहती, तेरे बाप को भी माँ बनना पड़ेगा क्या? अरे मूर्ख, मालिक के वचन से हमें फायदा उठाना चाहिए। मालिक का वचन याद रह गया और वो वचन भूल गए जो मेरे सिर पर हाथ रख कर मेरी माँ को दिया था कि 2 बरस तक अगर तेरी छोरी को छू जाओ तो मुझे कभी क्षमा ना करना। अरे सुसरी, अपने स्वार्थ के लिए वचन दिया भी जाता है और तोड़ा भी जाता है। पर मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। लल्लू पंडित ने पूरे 2 दिन पत्री बाज कर कहा था, रामकली अगर 2 बरस के अंदर तेरे कोई बच्चा हुआ तो तेरी माँ पे बहुत भारी होगा। मैं भी बच्चा पैदा करके अपनी माँ की हत्या नहीं कर सकती। तो लल्लू पंडू की बात मानकर तू अपने पति के अरमानों की हत्या कर सकती है। मैं ऐसा घोर पाप कभी नहीं होने दूंगा। हम पति पत्नी है। बंसी, बाहर आ जा अपनी हरकतों से, नहीं तो मैं पहली गाड़ी से मैके चली जाऊंगी और पेट भरने के लिए खुद हाथ जलाने पड़ेंगे चूल्हे पर। 4 रोटियां पकवाने के लिए मैंने 3,000 रुपया खर्च नहीं किया शादी पर। 3,000 रुपए माँ बाप लाखों करोड़ों में भी नहीं मिलते। दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। दरवाजा खोल रामकली। देख घर आई लक्ष्मी को लात नहीं मारते, दरवाजा खोल दे। जब तक नाक से लकीरें नहीं निकलता दरवाजा नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। ना खुले, ना खुले, ना खुले। मैं चोर दरवाजे से घुस जाऊंगा। कुमार भैया नमस्ते। नमस्ते, अच्छी तो होना भाभी? बहुत अच्छी, आप कैसे हैं? बेहद अच्छा हूँ। कहाँ है दूल्हा मियाँ? शादी क्या हुई, उसने तो दोस्त दुनिया दफ्तर सबको त्याग दिया। आज दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों, और छुट्टी नहीं मिली क्या? आप बैठिए, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। डार्लिंग, नाश्ता लगाओ, मैं तैयार हूँ। तुम अभी तो यही हो, आज सर्दी है भी तो बहुत ज्यादा, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि आज की छुट्टी और ले लूं। लता एक बात कहूं, छुट्टी के लिए रोज रोज बहाने ढूंढते कुछ शर्म से आने लगी। क्यों ना महीना 20 दिन की छुट्टी लेकर किसी हिल स्टेशन पर चले जाए, बड़ा मजा रहेगा डार्लिंग। ना किसी के आने का डर, ना जाने की फिक्र, बस नदी का किनारा, समय प्यारा प्यारा, एक तुम एक मैं और फिर डडे डडे डे। लता तू 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 ये कौन है? डडा डडा डे, ये डडा डडा डे क्या? मिस्टर हनीमून से पूछिए, हनीमून के बच्चे शर्म नहीं है ये हरकत करते हुए। क्यों, क्या बात है? तुम्हारे धोखे पर जाने क्या क्या बकवास करता है। नहीं 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 भाभी, ऐसे मत जाओ, नहीं तो मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगा। ये तो कहो इत्तेफाक से तुम आ गए,
वरना ये चुगत न जाने मुझे कब तक बेवकूफ बनाता। वाह, इसे कहते हैं चोरी और सीना जोरी। अरे भाई बिगड़ना तो मुझे चाहिए, शादी क्या हुई, दोस्त को तलाक दे दिया, मेरे घर का रास्ता ही भूल गए। ये शिकायत तो मुझे भी है, मेरे सास ससुर देवर देवरानी जेठ जेठानी ने एक बार झांका तक नहीं इधर। इसी गारंटी का बांधा तो चला आया हूँ कि फार्म जाने से पहले जरा बच्चों को देखता चलूं। कब जा रहे हो फार्म पर? आज ही, दो चार महीनों के लिए इस बुजुर्ग की टोका टाकी से बचे रहोगे। मैं जान सकता हूँ कि आप में से किसने गाली दी थी मेरी गाड़ी को? मैंने। कर लो, क्या करना है? शुक्रिया अदा करना है। शुक्रिया? ये उल्टी गंगा कैसी? इनकी जबान में बहुत असर है, यही आशीर्वाद कहीं मुझे दे दिया होता तो अब तक मेरा राम नाम सत्य हो चुका होता। राम राम कहो परदेसी, इस उम्र में तो बैरी पर भी ये वक्त ना आए। वक्त किसी से पूछ कर कहाँ आता। ओ मारे गए, दूसरा टायर भी तो नहीं है। यहाँ कोई पंक्चर वंक्चर लगाने की दुकान है? यहाँ मोटर ही नहीं तो दुकान कहाँ से होगी। बारीक किस्मत, मंजिल दूर रात सर पर, कोई डाक बंगला तो होगा। नहीं कहो तो डाकखाने पर जाए देते हैं। आपने मुझे लिफाफा समझ रखा है क्या? सराय वगैरह भी नहीं? सराय तो है। अच्छा, पर अभी बन रही है, महीने भर तक तैयार हो जाएगी। हाँ तो मैं यहाँ एक महीने पहले आ गया। अच्छा भाई, दो अपनी गाड़ी को दुआएं और गुजारो सर्दी की अंधेरी रात उसी जंगल में। रात यहाँ गुजारोगे तो सुबह तक सर्दी से अकड़ कर डिप्टी कलेक्टर हो जाओगे। इतने बड़े सरकारी ओहदे से बचने की कोई सूरत नहीं नजर आती। अरे तुम्हारी इतनी बड़ी हवेली पड़ी है, किसी कोठरी में जगह दे देना बेचारे को सर छुपाने के लिए। इस बेचारे को सर छुपाने की जगह देकर ये बेचारी कहाँ मुँह छुपाएगी। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। जब शादी हो जाएगी तो सब कुछ समझ जाओगी। इनको साथ देकर न जाने क्या समझ बैठे मेरा घर वाला, इतना सा दिल होता है मरद का और फिर दूसरी शादी वालों का। क्यों जी, क्या छूट कहा मैंने? मैं क्या जानू, मेरी तो अभी तक पहली शादी भी नहीं हुई। तो फिर ये कहाँ रहेंगे बेचारे। इस मुसीबत की जड़ तुम ही तो हो, जिसने दर्द दिया है वो दवा भी दे। हमारी छोटी सी झोपड़ी इनके लायक कहाँ। झोपड़ी में तो फिर भी सर छुपाने की जगह होती, कोई चाहे तो छोटे से दिल में एक दुनिया समा सकती है। तो जाइए समाइए। आइए ना। ये है मेरी माँ। नमस्ते जी। नमस्ते बेटा, मैं पहचानी नहीं। परदेसी है माँ, इधर से गुजर रहे थे, अचानक इनकी मोटर बिगड़ गई, बेचारे रात काटने की चिंता से दुखी हो रहे थे, इसलिए मैंने नहीं। अगर आपको तकलीफ ना हो तो मैं यही बरामदे में सो जाऊंगा, सुबह होते ही चला जाऊंगा जी। बरामदे में क्यों बेटा, कमरा जो है जारी खर्चा खाने पीने का प्रबंध कर दो। नहीं नहीं माँ जी, आप तकलीफ ना कीजिए। तकलीफ कैसी बेटा, धन भार जो गरीब की कुटिया में बरसों बाद मेहमान के जन्म पड़ेगा। किसी खाते पीते घर का लड़का लगता है, जा गुलाबी के घर से थोड़ी सब्जी मांग ला, अकेली दाल अच्छी नहीं लगती। जा। दाल में नमक कैसा है? ठीक। सब्जी में मिर्च? बिल्कुल ठीक। चटनी? एकदम चटपटी। शक्कर में घी तो कमती नहीं? नहीं, घी में शक्कर कम है। अरे ये क्या, खाना तो वैसे ही रखा है। जी मैं इन्हें खाने का जायका बता रहा था। बगैर चखे? जी इन्हें पूछने की जल्दी थी, मैंने सोचा पहले जायका बता दूं, चख बाद में लूंगा। चल जा ले बेटा एक रोटी और। जी बहुत है। गरम है, गरम। मैं
मैं जान सकता हूँ कि आप में से किसने गाली दी थी मेरी गाड़ी को? मैंने। कर लो क्या करना है। यहाँ कोई सराय वगैरह भी नहीं? सराय तो है। अच्छा, पर अभी बन रही है, महीने भर तक तैयार हो जाएगी ना। तुम्हारी भावना बेशक नेक है, लेकिन इस तरह इनकी सहायता करने में कहीं इनकी खुददारी को ठेस ना पहुंचे। अच्छा माजी, अब मैं चलूं। बेटा चाय तो पीते जाते? नहीं माजी, देर हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, नहीं। रेखा नजर नहीं आती? वो तो पानघर पे गई है ना। अच्छा, उसे मेरा नमस्ते कह दीजिएगा। दिल से पूछ। तेरी कसम रेखा, मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि परदेसी के अभी तक कंवारा है। चल हट। अरे क्या कर रही है, छुपाती है मुझे, मुझसे छुपाती है। आए, आए। रेखा, रेखा, वो परदेसी अपना बटुआ यहाँ भूल गया, ये भाग के जा, वो अभी अभी गया। क्षमा। Thank you.
हट ने तो बड़े बड़ों की विद्या बंद कर दी बंसी, तू किस खेत की मूली है? और फिर ऐसी सरफरी औरत के लिए किसी ऐसे वैसे का जंतर मंतर नहीं, केवल फक्कड़ बाबा का तंत्र ही सीधा कर सकता है। दो बरस का व्रत दो मिनट में न तड़वा दू तो फक्कड़ बाबा नहीं झक्कड़ बाबा कहना। अब फक्कड़ बाबा धन्य हो, अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपको जंगलों से निकाल कर बंगलों में बिठा दू। तो ला उस ब्रह्मचारिणी को हमारे सामने। आहिस्ता बोलिए, वो बाजार गई है सब्जी खरीदने, अगर वो यहाँ होती तो मेरी क्या मजाल थी कि आपको यहाँ लाकर ऐसी बातें करता। देखिए फक्कड़ बाबा, आपने जो कुछ करना कराना जरा जल्दी कर दीजिए, अगर रामकली आ गई तो मेरे साथ साथ आपका भी क्रियाक्रम कर देगी। अरे मर गए फक्कड़ बाबा की क्रियाक्रम करने वाले। फिर भी तू जल्दी से बोल, क्या चाहता है बच्चा? सिर्फ एक बच्चा जो रामकली पैदा नहीं करने देती। महाराज, स्त्री और पुरुष का दंगल आ पड़ा है, अगर मेरी पीठ लग गई तो सारी पुरुष जाति की नाक कट जाएगी। आप कोई ऐसा दाव पेच लड़ाइए कि रामकली मेरे बस में हो जाए। हो जाएगी अवश्य हो जाएगी। मगर कब महाराज? आज ही रात को तेरे मन की कली खिला देंगे। जय हो फक्कड़ बाबा। वाह वाह वाह। अब आंखें बंद करके और कान खोल कर सुन। सुना, पहले ये बता कि रात को सोती कब है तेरी रामकली? अब वो तो 7 बजे से खराटे लेने शुरू कर देती है। तो बस 7:07 पर फक्कड़ बाबा की जय बोलकर ये राख उसके सर में डाल देना। अच्छा। और फिर खाट पर बैठकर हमारी तंत्र विद्या का तमाशा देखना। तमाशा? हाँ, राख के सर पर पड़ते ही उसके दिल से तुम्हारे प्यार का शोला भड़केगा। फिर वो तड़प कर उठेगी, फिर उठकर मुस्कुराएगी, फिर मुस्कुराकर अंगड़ाई लेगी, फिर अंगड़ाई लेकर तुम्हारे पास आएगी, फिर तुम्हारे पास आकर तुम्हारे गले में अपनी बाहों का हार डाल देगी। उसके बाद मैं क्या करूं? मूर्ख। जय फक्कड़ बाबा। Thank you.